आप सबकी हिम्मत अफजाई भी हुई और हम सभी यूट्यूबर्स को बहुत खुशी भी हुई। जो काम हुआ यहाँ पर, जो अरेंजमेंट्स किए गए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम था। तो यहाँ पर और एक हमारे भाई हैं मिस्टर निज़ाम, जो काफ़ी फेमस आदमी हैं, आप लोग भी जानते हैं, बहुत बार यहाँ बेंगलुरु भी आ चुके हैं और बहुत सारे वीडियो भी ये बनाते हैं। तो मैं निज़ाम भाई से भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बेंगलुरु से लोगों को हैदराबाद का सलाम भाई। पहले बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम यहाँ के जिम्मेदार और जो इंतजामी कमेटी है, मैं बोलूंगा बहुत प्यारा इंतजाम रहा भाई। हम हैदराबाद से हैं यहाँ पर, क्योंकि हम शौकीन भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, और बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके। जो जिम्मेदारी से काम हुआ यहाँ पर, बहुत अच्छा इंतजाम रहा, जो सिस्टमेटिक रहा, मैं बोलूँगा बहुत बहुत सिस्टम हुआ। और मैं तमाम यहाँ शौकीन है, तमाम कारोबारी भी है, तो मैं बोलूँगा इस तरह के शो होने चाहिए भाई। जब इस तरह के शो होंगे तो नए शौकीनों में शौक पैदा होगा, तो एक ट्रेड के हिसाब से भी ये चीज़ काफ़ी बढ़ेगी और लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा पालने का। तो इस तरह के शोज होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी एक शो हम लोग करें, अल्लाह के वजह से वहाँ भी काफ़ी शो बड़ा हमारे उमर भाई के नजराने करम के अंदर हुआ, वो शो अकरम डेयरी फार्म चैनल के अंदर, मैं उमर भाई और जिगर हारिस बोलकर करे थे। तो अल्लाह की वजह से फिर उसके बाद यहाँ शो देखने को मिला, तो बहुत खुशी हुई हमारे को। इस तरह के शो करते रहिए। और मैं जीत हार के बारे में बोलूंगा भाई, यहाँ जो भी कॉन्टेस्टेंट लाए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जीत हार कोई मायने नहीं रखती, आपके लिए यहाँ तक लाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो जानवर लाए हिम्मत करके वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बोलूंगा भाई इस तरह के शो होते रहिए, और जो जीते नहीं वो लोग अफसोस मत करिए भाई, आप लोग लाए, आपका शौक पता है वो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई यहाँ से फर्स्ट सेकंड होता है तो कोई मतलब नहीं है। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार, हैदराबाद का आपको सलाम भाई।